खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में चल रहे करीब 15 करोड़ रुपए की विकासात्मक कार्यों का कॉलेज प्रशासन व विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। गर्ग ने अधिकारियों को कॉलेज में चल रहे विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि काम में गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता सहन नहीं किया जाएगा, यदि काम में कोताही बरती तो सहन नहीं होगी। गर्ग ने कहा कि स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं ई लाइब्रेरी वाला प्रदेश का पहला कॉलेज होगा। गर्ग ने घुमारवीं को करोड़ों रुपए की सौगात देने के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी इस मौके पर दिल से आभार व्यक्त किया। आज हमने यहाँ स्थानीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय घुमारवीं के अंदर जो विभिन्न विकास के कार्य चले हुए हैं उसका निरीक्षण किया और यहाँ हम बताना चाहते हैं कि लगभग 15 करोड़ रुपए के कार्य जो हैं यहाँ शुरू हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से यहाँ घुमारवीं कॉलेज के लिए एक जो ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है उसके लिए 4,29,45,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और इसका काम जोरों पर चला हुआ है और लगभग एक वर्ष के अंदर इस काम को हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी घुमारवीं के इस कॉलेज में आए थे तो उन्होंने यहाँ एक ई लाइब्रेरी की भी स्वीकृति प्रदान की थी, उसके लिए 1,33,00,000 रुपए हमको स्वीकृत हो चुका है और PWD के पास पैसा चला गया है, जल्दी ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साइंस ब्लॉक की भी हमने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मांग की थी कि घुमारवीं का कॉलेज बड़ा कॉलेज है और यहाँ जो छात्रों की संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ एक साइंस ब्लॉक की भी हमने मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इसकी स्वीकृति प्रदान की थी और आज हमको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने 6,50,00,000 रुपए हमको स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही इसका काम भी जो है शुरू होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ महाविद्यालय के लिए एक बड़ा ग्राउंड का निर्माण करने की योजना है और इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने हमको 67,00,000 रुपए जो है स्वीकृत किए हैं और इसका भी काम शुरू होने वाला है। यहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब प्रकार की कक्षाएं यहाँ चलती हैं और इसके लिए जो कॉमर्स ब्लॉक का भी निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 75,00,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं और जल्दी ही ब्लॉक भी पूरा होने वाला है। इसके साथ अनेक यहाँ काम जो शुरू हुए हैं इन सब का हमने यहाँ आकर जायज़ा लिया और जल्दी यहाँ कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत करके और PWD विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये तय किया कि जल्दी ही जल्दी इन सारे जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इनको पूरा किया जाए और यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम कम समय में दे पाएं इसका प्रयास किया जा रहा है।